नशा मुक्त हो, देश नशा मुक्त हो, हर राज्य नशा मुक्त हो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नशा मुक्त हो, हमारी पार्लियामेंट चाहती है कि देश नशा मुक्त हो। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पास किया जाता है, पुलिस को पावर्स दी जाती है, स्पेशल पावर सर्च एंड सीजर की होती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्रग्स ले, कोई स्कूल और टीचर ये नहीं चाहता कि उनके स्कूल के बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो, कोई सोसाइटी ये नहीं चाहती कि वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल हो। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति से लेके आम नागरिक तक, टीचर से लेके माँ बाप तक, बच्चों से लेके बूढ़े तक, हर कोई चाहता है कि बच्चे, नौजवान या कोई भी शख्स नशा ना करे, फिर भी नशा क्यों हो रहा है? कोई तो चाहता है कि नशा हो, कहीं तो किसी न किसी की लापरवाही है, कहीं ना कहीं पे तो फिसलन हो रही है कि जिसकी वजह से ये लानत इतनी तेजी से फैल रही है। सिर्फ चंद साल पहले हम सुनते थे कि उड़ता पंजाब, आज तो वो उड़ता पंजाब हमारी गलियों में। हम उस हकीकत से आंखें अपनी मूंद लें तो एक शुतुरमुर्ग के रेत पे अपना सिर देने से हकीकत जो है वो चेंज नहीं होती। बिल्ली कबूतर का शिकार करेगी, कबूतर अगर अपनी आंखें बंद करेगा और ये सोचेगा कि कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है। अब जिम्मेवारी किसकी है? नशा होता क्यों है, आता कहां से है, यूज कौन करता है, पैसा कहां आता है, पैसा जाता कहां है, उसको फैसिलिटेट कौन करते हैं, यह सब समझने की जरूरत है। किसी भी एक आइडियल सोसाइटी में एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए चार पांच लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सबसे बड़ा रोल जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का रोल आता है। तभी कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है। जो माँ बच्चे को सिखाती है वही पूरी उम्र तक कुछ चीजें जो है वो आपको शायद नहीं भूलते। बाप को कम टाइम मिलता है और बाप बहुत बार एक ईगो में भी रहता है कि ये शायद मेरा काम नहीं है, माँ का ही काम है इसको।